देश में जहां कांग्रेस आई वहां तबाही लाई है नरेंद्र मोदी। बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसाने वाली कांग्रेस को 100 साल सत्ता के लिए तरसवा दो। छतरपुर, विकास में रिवर्स गियर लगाने वाली कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना है। विकास योजनाओं को लटकाना, भटकाना, अटकाना कांग्रेस का नेचर है, क्योंकि देश में जहां जहां कांग्रेस आई वहां तबाही ही लाई है। बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने वाली कांग्रेस को 100 साल सत्ता के लिए तरसवा दो, इसलिए बुंदेलखंड के हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दूसरी बार छतरपुर के स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करने आए थे। वे दोपहर 1 बजे भीड़ से खचाखच भरे स्टेडियम में पहुंचे और स्वागत की औपचारिकता बिना लोगों को संबोधित करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक और कांग्रेस पर हमला जारी रखा तो बीच बीच में खुद की सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याण की योजनाओं को भी बताया। उन्होंने कहा, मोदी ने हर गरीब को पक्के आवास की गारंटी दी है। 3 दिसंबर को MP में फिर भाजपा की सरकार बनेगी, फिर गरीबों को घर देने का काम तेजी से होगा। उन्होंने कहा, गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना दिसंबर में खत्म नहीं होगी, इसे 5 साल के लिए और बढ़ाएंगे। भाजपा के समर्थन में सभा करने आए प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ मंच पर छतरपुर जिले की सभी 6 विधानसभाओं सहित पन्ना की 3, टीकमगढ़ की 3 और निवाड़ी की 2 विधानसभा सीटों के भाजपा प्रत्याशी बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से कहा, मेरा आप सभी से एक छोटा सा काम है, उसे करोगे, अपने घरों में जाकर कहना मोदी जी ने राम राम भेजा है, वह वहीं से मुझे आशीर्वाद के रूप में ताकत देंगे, यही ताकत मुझे काम करने का हौसला और ताकत देगी। मध्य प्रदेश में भाजपा लाकर कमल को मजबूत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड में केन बेतवा नदियां पहले भी थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन केन बेतवा परियोजना के लिए मोदी को ही क्यों आना पड़ा। 45,000 करोड़ रुपए खर्च करके इन नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने वाला है। इस क्षेत्र की जनता को अब पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। इसलिए सत्ता के लिए तरसने वाली कांग्रेस को पता चलना चाहिए कि बिना पानी के तरसना क्या होता है। बुंदेलखंड के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने वाली कांग्रेस को 100 साल सत्ता के लिए तरसवा दो। उन्होंने कहा, हर अच्छे काम में रोड़े अटकाने वाली कांग्रेस सुशासन को कुशासन में बदलने में माहिर है, भले ही देश को कितना भी नुकसान उठाना पड़े। कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जिनसे देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण कानून को अटका कर रखा, OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं देने दिया। जब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने की बात आई तो कांग्रेस ने इसमें भी भ्रम फैलाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाली कांग्रेस ने तो राम को ही काल्पनिक बता दिया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध किया। स्वार्थ पूरा न होने से हर अच्छे काम का विरोध करने वाली कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। ये बात जान लीजिए, कांग्रेस को अटकाना, लटकाना, भटकाना आता है, इन्हें केवल वोट की फसल काटना आती है। कांग्रेस वाले जब चांद सूरज लाने वाले वादे करें तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां तबाही लाई है। कांग्रेस के पंजे से आपको खुद को और मध्य प्रदेश को बचाना है। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट।